दिल्ली हाई कोर्ट ने आप नेताओं को फटकार लगाई है। कोर्ट ने दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ आपत्तिजनक बयानों और विवादित पोस्ट को हटाने के लिए आप नेताओं से कहा है। कोर्ट ने LG के पक्ष में अंतरिम आदेश जारी किया है। दरअसल दिल्ली LG विनय सक्सेना ने दिल्ली हाई कोर्ट से अपील की थी कि वो आप नेताओं को भविष्य में उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मानहानिकारक बयानबाजी से रोकने के लिए निर्देश पारित करे। दिल्ली LG की इस अपील पर मानहानि से जुड़े मामले में कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने आप नेताओं को LG विनय सक्सेना के खिलाफ सोशल मीडिया पर अमर्यादित पोस्ट हटाने का आदेश दिया है। दरअसल दिल्ली में LG विनय सक्सेना ने शराब नीति में CBI जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद से दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान तेज हो गया था। आप नेताओं ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर घोटाले के आरोप लगाए हैं। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि खादी ग्राम उद्योग यानी KYIC के चेयरमैन रहते हुए उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने अपनी बेटी शिवांगी सक्सेना को मुंबई में खादी लाउंज डिजाइन करने का 80 करोड़ रुपए का ठेका दिलाया। संजय सिंह ने यह भी कहा कि सक्सेना ने KYIC के चेयरमैन रहते हुए करोड़ों रुपए की हेराफेरी नोटबंदी के समय की। कई घोटाले और घपले हुए उन्होंने दिल्ली के राज्यपाल को पद से बर्खास्त करने की मांग की है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की तरफ से उनके वकील ने सोमवार को आप और पार्टी के 5 बड़े नेताओं को लीगल नोटिस भेजा था। इसमें आरोप लगाया गया है कि उपराज्यपाल के खिलाफ झूठी और भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं, असत्य और अपमानजनक बयानों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। हालांकि आपने इसके बाद भी विनय सक्सेना पर निशाना साधा था।